तीनों डॉक्टर्स अब बताएंगे जो आपने सिली मिस्टेक के लिए शुरू में कहा था बेटा माइनर टेस्ट के बाद हमने एक डायरी या रजिस्टर बनाया था, तो जो अगला आपका माइनर होता था यानी अगला रिहर्सल, हर रिहर्सल पहले से बेहतर और बेटर होना चाहिए, तो आप टेस्ट के दिन क्या रिविजन खास करके जाते थे? जो गलतियां आपने लिखी हैं डायरी में रजिस्टर में उसका कोई यूज करते थे? सर जैसे सिली मिस्टेक के लिए जो सर नोटबुक बनाए थे, तो सर वो टेस्ट से हमेशा एक दो घंटे पहले हम हमेशा पढ़ के जाते थे कोई भी टेस्ट हो चाहे। ध्यान से सुनो, टेस्ट से पहले जो टेस्ट का दिन है जब निकल रहे हो उससे पहले सबसे अच्छा रिविजन क्या है? पुरानी गलतियों का रिविजन। और जब उन गलतियों को उस मोमेंट पे देख के जाओगे तो बच्चों एक बात को ध्यान सुनना, और इसको चाहो तो आपके जो भी रोल मॉडल हैं, कोई आपके आदर्श हैं, आइडियल हैं, उनसे पूछ लेना कि आज सर आए थे, बीएम सर आए थे, एक लाइन बोल के गए थे। सुनना ध्यान से, स्लो मोशन बोलूंगा बेटा, तीनों आप भी सुनना। जिन गलतियों को हम पहले कर चुके हैं, जिन गलतियों को हम पहले कर चुके हैं, अगर जिस दिन, मनु सोचना अगले टेस्ट के दिन, जिस दिन ढंग से वापस देखकर जाते हैं, कम से कम उस दिन तो उनमें से एक भी गलती रिपीट नहीं होती है। कितनों को इस लाइन पर विश्वास है, हाथ खड़े करिए, और हाथ पूरा कड़क होना चाहिए। जमाना डिजिटल युग का है, जो भी हो या तो 100% यस या 100% नो। नो मतलब मेरी मर्जी, मेरा विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, हाथ नीचे रख लिया, लेकिन अगर विश्वास है तो यस आ नहीं, पूरा स्ट्रेट कड़क, यानी आपका इसका फर्म 100% फेथ है। अब आप समझ गए जो भी डॉक्टर साहब ने कहा, क्या बोला, टेस्ट से पहले एक दो घंटे पहले हम उन गलतियों को वापस देख के जाते थे। अब बताइए जो इससे पहले टेस्ट हुआ था उसकी गलती कोई आज के टेस्ट में जब देने जा रहे हो दोहराई जाएगी क्या, रिपीट होगी क्या? तो हम आ गए ना, इंसान बन गए ना, जो ठीक कर ले, हेलो, अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। मैंने आते ही कहा था डॉक्टर कौन बन सकता है, कौन बन सकता है, जो जो इंसान हो, और इंसान कौन है ये आपको मैंने शुरू में बता दिया था, राइट। अब एक बात और कह रहा हूं बेटा, आपने जो गलती करी टेस्ट के अंदर, ये तो हो गया टेस्ट के दिन वापस देख के जा रहे, राइट। लेकिन जैसे आज टेस्ट हुआ, संडे था, मान लो 12 मई को, अब वापस 2 मई, 2 वीक के हिसाब से 26 मई को संडे है, ठीक। क्या इन 14 दिन के लिए क्या उन गलतियों से कोई और अच्छा तरीका होता जिससे हम धीरे धीरे लगे कि हर दिन वो गलती हमसे ऑटोमेटिक दूर होती जा रही, कोई तरीका था? हाँ जी सी, जैसे अगर किसी सिलेबस अगर रिवाइज हो गया और फ्री टाइम मिला है तो उसमें भी हम एक बार खोल के देख लेते, खाली देखते थे, मतलब पढ़ते नहीं थे, खाली देख लेते कि ये भी गलती हुआ हुआ है हमसे। चलो मैं एक तरीका बताता हूँ, अगर मैं आपके जगह पढ़ाई कर रहा होता तो और एडवांस चल रहा होता, कैसे, हमको आगे डॉक्टर बन के लोगों को प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन लिखनी ना, बोलेंगे सुबह उठने के बाद, दोपहर में खाने के बाद और रात को सोने से पहले, यस ऑर नो? तो आज से अपने को ऐसा मान लो डॉक्टर बन गए आप, अपनी गलतियों सीख रहे हो, और वास्तव में अपनी गलतियों सीखना तो इंटेलिजेंट है, और दूसरों की गलती सीखना जीनियस है, और वास्तव में आज टाइम में जीनियस बनने का। तो यहां एक लाइन बोल रहा हूं, इसको जोड़ लेना बेटा, आपको भी आगे पढ़ाई करनी है मेडिकल कॉलेज में, उसको भी साथ में जोड़ लेना, जो भी पढ़ाई चल रही है, आपके आगे 19 सब्जेक्ट हैं, आपके भी 3 सब्जेक्ट हैं, या बोलो जूलॉजी बॉटनी अलग अलग 4 सब्जेक्ट हैं, आज से कमिटमेंट कर लो, घर पे जाकर लंच का टाइम हो जाए, भले कुछ भी हो जाए, क्या मेनू मतलब नहीं, जाते काम करना, भले आज सुबह खाना मत खाना कोई बात नहीं, आज एक व्रत के हिसाब से मान लेना, बुधवार गणेश जी के बाद उनके नाम, आज अपन एक ही टाइम खाएंगे, शाम को खा लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करना, कोरा कागज लेना और उस पर अपने पहला जो आपने इससे जस्ट पहले माइनर टेस्ट दिया है, जो भी आपका 12 मई को था कि 5 मई को था, जो भी संडे था, उसमें उस पेपर का पोस्टमार्टम करना, थोड़ा शब्द ओछा है, क्यों बोल रहा हूं पोस्टमार्टम, ताकि कोई भी गलती पर्दे में ना रह जाए। जो क्वेश्चन जिस कारण से गलत हुआ है उस कोरे कागज पर उसको पॉजिटिव करके लिखना। सबसे पहले अपने को आज से डॉक्टर तो मान लो, तो ऊपर ऊपर उस कोरे कागज पे डॉक्टर लिखो, पहले द भी लिख दो, द फिर डॉक्टर, क्योंकि यूनिक है ना इसलिए द, फिर डॉक्टर, फिर अपना नाम,
और चाहो तो साथ में मेडिकल कॉलेज जो आपका एक ड्रीम है, जहां आपको अपना फाइनल घोंसला बनाना है, वो भी लिख दीजिए। अब वो मैं जो कह रहा हूं, जो गलती आपने करी, मान लो आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा और उससे आपकी सिली मिस्टेक हो गई, जबकि आपको मालूम हर क्वेश्चन का पहला स्टेप क्या होता है, पढ़ना। अगर ढंग से पढ़ने का ही तरीका नहीं होगा तो आगे सब कुछ समझना भी गलत, सोचना भी गलत, करना भी गलत, मार्कशीट भरना भी गलत, कुल मिलाकर नेगेटिव होना ही है, वहां तो एक नंबर और कट होना है। इसलिए क्वेश्चन को बस वहां पॉजिटिव करके लिखो, क्वेश्चन को हमेशा अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए, कोमा फुल स्टॉप का ध्यान रखना चाहिए, और बचपन का तरीका जो सिखाया ना पढ़ने का, उसको एडप्ट करना चाहिए। आपने ये कर लिया, लगभग आपका बहुत बड़ा तो सिली मिस्टेक वहीं खत्म हो गया, क्योंकि पहले स्टेप में हम जब राजधानी चलाते ढंग से नहीं पढ़ते हैं, आधा दूर पढ़ते हैं, तो वहीं गलती हो जाती है। मान लीजिए आपने आंसर आपको याद है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आपको जो आंसर याद हुई हो उससे भी अच्छा हो सकता है, उसके साथी भी हो सकते हैं। तो अगर आपने जल्दबाजी मेमोरी बेस पर आंसर टिक कर दिया और उससे आपका गलत हो गया, और घर जाके रूम पे आपको मालूम पड़ा, अरे यार ये तो बोथ ऑफ देम है, अरे यार ये तो ऑल ऑफ देम है, तो वहां पे लिखना क्या पूछा है, पॉजिटिव करके लिख रहे हैं, ताकि पढ़ने में हमेशा पॉजिटिव इंप्रेशन भी क्या हो, पॉजिटिव, क्या पूछा है, इसका ध्यान रखकर सारे ऑप्शंस को एनालिसिस करना चाहिए। इस लाइन में बहुत बड़ी बात छुपी है, आप ऑब्जेक्टिव पैटर्न का मतलब है उसको समझ गए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का मतलब जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको आंसर ढूंढना है, इसका मतलब मेमोरी बेस्ड आंसर टिक नहीं करना है, उन सबको देखकर क्या पूछा है ध्यान रखकर आपको बेस्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या, उसको अपना आंसर बनाना है। राइट, आगे बस समझ में। दो तो सबसे बड़ी वो बात हो गई जहां पे हमारा क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल नहीं है, और बायो में आपके न्यूमेरिकल बहुत कम होते हैं, और बायो में आपका वेटेज आधा है, 360 आउट ऑफ 360 आने चाहिए बायो में, तो 50% तो जूलॉजी बॉटनी का वेटेज है। इसलिए आज से ही कर लो कि बायो मेमोरी बेस पे कभी आंसर टिक नहीं करना, हार्डली 15-20 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा, लेकिन एक बार में आप वहीं चेक कर लोगे कि आंसर बोथ ऑफ देम है कि ऑल ऑफ देम है, या सबसे अच्छा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। ठीक है, ये दो मैंने आपको बोल दिया। तीसरा मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ भी कोर्ट सिस्टम तो नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं बोलूंगा कि वो मार्कशीट के साथ ध्यान रखना कि PQRS की क्या, अब मैं बोलूंगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी करें आप सीधे डेटा लेके सॉल्व ना करें, उससे आपको टाइम ज्यादा लगता है। अभी मैंने 5 मई को जो NEET UG का एग्जाम हुआ था बेटा, आपको आपको मालूम भी होगा, माजिन अपने आपसे बात भी हुई थी, मैंने पेपर को लाइव सॉल्व किया था। हर में इतनी दमनी वाली बात कि पेपर को लाइव सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आता गए 5 आ गए सॉल्व, 3-4 आ गए सॉल्व, 6-7 आ गए सॉल्व करता गया, और एज ए स्टूडेंट करता गया। और मैंने पहले ही बोल दिया कि जितने बच्चे जुड़े हुए थे उन सबसे कह दिया मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, और जो आपसे बोलता हूँ वही तरीका अडॉप्ट करूंगा। और मैं वहां तरीका बोलता हूँ, पेपर को हमेशा राउंड में करना चाहिए, एक राउंड दूसरा राउंड, और यहां तो चॉइस के हिसाब से सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, सेक्शन बी में चॉइस होती है, वही पैटर्न आपको लेके चल रहे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो आउट ऑफ 15 मुझे परफेक्ट 10 क्या है, कॉन्फिडेंस के टॉप 10 क्या है, उनको मैं छांट के करूंगा। ठीक, मैंने पेपर को स्टार्ट किया, करता गया, 2 क्वेश्चन में अटका, बच्चों को तो 50 में से 45 करने, मुझे 50-50 करने, तो मैंने क्या बोला, राउंड में करूंगा। तो राउंड का मतलब होता है किसी क्वेश्चन पे बहुत देर तक रुको मत, सबके नंबर बराबर हैं लेकिन सबको करने का समय बराबर नहीं लगता, तो वो चीज को मैंने प्रमाणित किया, प्रूफ किया, मैंने ये क्वेश्चन को मैं बाद में देखूंगा, करूंगा जरूर, इसको मैं बाद में देखूंगा। और जब मेरे 48 क्वेश्चन हो गए तो उन दोनों क्वेश्चन पे भी आ गया, और मैंने कहा ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी, उसके आधार पर 2 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। और ये गजब का तरीका जिसको मैंने बोला है ऑप्शन एलिमिनेशन थ्योरी, जो मैंने सेकंड बार बोली थी ना, आपको क्वेश्चन पढ़े हुए टॉपिक का है, नॉलेज है, लेकिन मान लो सीधे आंसर नहीं आता तो आप ये तो कर सकते हो, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, अब जो रह गया मुझे नहीं मालूम वो आंसर है कि नहीं, होगा तो वही, क्योंकि 3 को फेल कर दिया, वो क्यों है मुझे नहीं मालूम, लेकिन है वही, और उसको टिक करके आगे बढ़ गया, और मैंने वो 2 क्वेश्चन भी आराम से ऐसे सॉल्व कर दिए। बच्चों आ रही बात समझ में, वापस आ जाओ आपके स्कोरे कागज को, जो अपन तीसरे पॉइंट पे चल रहे थे, जब भी न्यूमेरिकल्स हो, और बच्चों के सामने में कर रहा था, मैंने कहा नहीं
आप ऐसा करो पूरा रफ में करो, नहीं, हम देख रहे हैं कि हमारे चार ऑप्शन भी हैं, वो चार ऑप्शन कई बार कंफ्यूजर के हिसाब से परेशान भी करते हैं लेकिन कई बार हेल्प भी करते हैं। अगर चारों ऑप्शन के आंसर दूर दूर हैं तो हम क्यों टू द पॉइंट करें कैलकुलेशन, हम थोड़ा सा कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। हम जो कर रहे हैं उसकी यूनिट को देख सकते हैं, दो यूनिट तो मीटर में, दो सेंटीमीटर में दिख रहा है कि साहब जवाब तो आएगा ही नहीं मीटर में, ये तो जाएगा सेंटीमीटर में, दो ऑप्शन अपने आप फेल हो गए। जहां आपके एबीसीडी वाले क्वेश्चन, इस बार बच्चों के बायो में बेटा बहुत क्वेश्चन आपके मैच द कॉलम एबीसीडी ज्यादा आए थे, मैंने बच्चों को बोला था, मैंने बीच में अभी हाल फिजिक्स के हिसाब से 10 का दम एक खेल के रूप में फिजिक्स को लिया था, 30 दिन के लिए पूरे फिजिक्स को रिवाइज करने की कोशिश करी थी, तो उसमें बच्चों से कहा था कि जो मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं आपको आता है लेकिन जो मैं रिवाइज करा के कंसाइज फॉर्म में आपको इस चैप्टर का एक कंसाइज कंटेंट दे रहा हूं, आप देखना जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इसे सॉल्व हो जाएंगे। तो हल्का सा रिवाइज करा के फिर क्वेश्चन करते थे तो एबीसीडी वाले क्वेश्चन और फास्ट होते थे। हमने हल्का सा अप्लाई किया, एबीसीडी लिखे हुए आगे 1 2 3 4 में लिखा हुआ है, एबीसीडी एसीडी बीसीडी एबीसीडी ऐसे लिखा हुआ है, एक ऑप्शन बी नहीं आ रहा, मैंने बी को फेल किया, जाके देखा यहां पर बी और सब खत्म हो गए, जिसमें बी नहीं एसीडी वो आंसर हो गया। क्यों मैं चेक करूं ए और सी डी सही है कि नहीं, ये स्मार्टनेस होनी चाहिए। वो वाला आपका मैचिंग वाला हो मैच द कॉलम के हिसाब से या एबीसीडी हो, आपके क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे। ठीक है, तो यहां पे मैं तीसरी बात जो कि न्यूमेरिकल कह रहा हूं उसमें हमेशा सीधे ही डेटा मत रखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के हिसाब से जब फाइनली जो आपको निकालना है वो आपका लेफ्ट हैंड पे आ जाए, ऐसी करते ना अपन लास्ट में सॉल्व, और राइट हैंड साइड पे सारे पैरामीटर्स आपके नोन हो, अब आराम से उनको न्यूमेरिकल में जो जो डेटा दिए हैं प्रॉपर सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन का ध्यान रखते हुए ये देखते हुए कि ऑप्शन किस में है, दो अगर सेंटीमीटर दो मीटर है तो रखते दिख जाएगा कि दो मीटर नहीं हो सकते, आंसर जाएगा सेंटीमीटर में, तो आपकी बहुत फास्ट वहां कैलकुलेशन होगी, समय के हिसाब से टाइम की बचत होगी और स्पेस भी रफ कम लगेगा, और दोनों का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां टाइम भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और रफ कैलकुलेशन का स्पेस भी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए बात।